हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। स्वागत मेरे पास ये भी डिवाइस है दोस्तों, रियलमी C15। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर लेग फिक्स के बारे में दोस्तों आपको बात करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल है रियलमी C15, और इसके अंदर दोस्तों लेग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये डिवाइस दोस्तों कुछ देर पहले एकदम पूरी तरीके से लेग कर रहा था, मैं यहाँ पर कोई चीज़ ओपन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं ये बढ़िया चल रहा है डिवाइस एकदम से। इसका जो फुल दोस्तों रिफ्रेश रेट एकदम सही है, वो दोस्तों देख सकते हैं एकदम सही तरीके से ये अब वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ देर पहले ये डिवाइस कोई ऐप भी ओपन नहीं हो रहा था, पूरी तरीके से लेग मार रहा था बहुत बहुत देर तक। दोस्तों कोई ऐप ओपन करने के लिए मुझे दो दो मिनट तक का इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो गैज़ ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गैज़ आप देख सकते हैं फिलहाल ये फ़ोन चार्जिंग पे है। तो गैज़ जब आप कोई चीज़ चार्जिंग पे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपका मोबाइल का जो CPU है ये दोस्तों दो काम करता है, जिस कारण से दोस्तों इसको एक बार तो चार्ज करने के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, एक दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं वो काम भी करना पड़ता है। तो इन सभी कामों के कारण दोस्तों ये आपका डिवाइस लैग करता है। तो गाइस आपको क्या करना है, पहली टिप्स ये है कि दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितने ब्लॉट वेरियंट दोस्तों जो ऐप्स की कंपनी की तरफ से, सॉरी दोस्तों जो फ़ोन की कंपनी की तरफ से जो भी ऐप डाले जाते हैं उन सभी ऐप को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जो दोस्तों डिलीट होते हैं उनको डिलीट कर देना, और जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते फालतू के ऐप्स भरे पड़े हैं तो उन सभी को आपको डिलीट कर देना है। यानी दोस्तों यदि आपके फ़ोन के अंदर पूरी तरीके से डाटा को रन करने के लिए स्पेस मिलता है तो वो अच्छी तरीके से वर्क करता है। वैसे दोस्तों रियलमी की UI काफ़ी स्मूथ है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं ब्लॉटवेयर जिसकी वजह से दोस्तों ये जो अभी भी लैग करने लग जाता है। इस कारण से दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर जो ब्लॉटवेयर है उनको डिलीट कर देना, और आपके मोबाइल का डाटा जो है वो आपको क्लियर करते रहना है। वहीं दोस्तों आपको एक और क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ऊपर आपको कंट्रोल सेंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों आपको उन सभी चीज़ों को बंद कर देना है जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड जो सेटिंगें होती है उन सभी को आपको बंद रखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर हॉटस्पॉट होता है, ब्लूटूथ होता है, और दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर और भी दोस्तों जो चीज़ें आप बार बार यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, उन सभी को आपको डिसेबल कर देना है, जिस कारण से दोस्तों ये आपके जो बैकग्राउंड रन ना करे और दोस्तों आप लोगों के जो जो फ़ोन के अंदर लैग है वो फिक्स हो रहे। और दोस्तों आपके रिसेंट बार में जितने भी आप यूज़ करते हैं ऐप, वो ऐप दोस्तों बैकग्राउंड में यहाँ पर जो वर्क करते रहते हैं। इन ऐप को दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप इसको यूज़ नहीं करते तो इनको रिसेंट बार से क्लिक करके उसको हटा देना, ताकि दोस्तों आपका डिवाइस पूरी तरीके से लैग फ्री काम करे। वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको इसके अंदर बता दूँ, तो इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यदि आपका यहाँ पर फ़ोन ज़्यादा लैग कर रहा है तो आपको अपने फ़ोन का स्टोरेज क्लियर करना है। शायद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर जो भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट होते हैं वो अपडेट डे टू डे कर लेने, ताकि दोस्तों जो भी कोई, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपडेट के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके अंदर आप अपडेट करके भी इस फ़ोन के लैग को फिक्स कर सकते हैं। और गाइस ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यदि आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा तरीके से लैग कर रहा है तो आप उसको रिबूट करके भी दोस्तों फिक्स कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर नहीं है और ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।